सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियालाल सोनी। जियालाल जी कहाँ से आए हो आप? मैं नौबस्ता गाविसा जिला नेपाल बांके जिला से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो मैं जैसे शंकर जी की पूजा ज़्यादा उपासक था। मैं शंकर जी को बहुत अपना श्रेष्ठ कुल मानता था। उनको जल चढ़ाना, पूजा पाठ वगैरह, उनकी ज़्यादा श्रद्धा रखना। और फिर उसके बाद मैं निरंकारी से जुड़ा और बापू आसाराम से भी नाम लेने के लिए मैं एक बार साबरमती भी पहुँचा, जहाँ पर मेरे को नाम के बजाय कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा वो जो बापू जी यहाँ बिलासपुर में आए थे तो वहाँ पर भी नाम ध्यान के लिए मैं गया तो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो उससे बाद में जब मेरे को निरंकारी का मिला तो कुछ संतुष्टि मिली, बोले कि हाँ निरंकारी जो है पहले के देवी देवता से उचित है, इसकी पूजा पाठ करता रहा, इनके सत्संग। निरंकारी पंथ में आपने कौन से संत से नाम दीक्षा ली? ये गुरु है जी अपने हरदेव सिंह जी महाराज। उन्होंने आपको क्या भक्ति साधना बताई? इन्होंने जी भक्ति साधना तो कुछ नहीं था, इन्होंने नाम दान दिया था, बोले कि तुम जो है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनु बख्श लो। एक यही नाम था उनका जो है, बोले इसको जपते रहो तुम्हारे हर जगह में, हर मुसीबत में, मतलब ये जो साथ देते रहेंगे। सर जैसा कि निरंकारी पंथ से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोग उनके द्वारा दी गई भक्ति को कर रहे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो जो भक्ति बताते हैं क्या वो उनके द्वारा दी गई भक्ति का कोई प्रमाण भी देते हैं? प्रमाण तो कुछ नहीं है, बस इतना ही करते हैं कि बोलो कि आप नामदान लो और अपना ये जो नाम जाप करो, 24 घंटे सुमरण करते रहो और अपना जो सेवा करते रहो। तो सर आपने निरंकारी मिशन को और उनके द्वारा दी गई पूजाओं को आपने क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा कि जब इसमें मेरे को एक पुस्तक मिली, जो मेरा रूममेट था उसने जो है मेरे को दिल्ली से भक्ति सौदागर को संदेश ला करके मुझे दिया, तो उसमें जब देखा मैंने परमात्मा ने जो सृष्टि रचना वगैरह जो दिखाया है तो उसमें तो ऐसा लगा कि हम तो किसी गलत देवी देवता या मतलब गलत गुरु के शरण में हैं। तो तुरंत इसको जो है हमने छोड़ करके पर मैं संत रामपाल जी जी के महाराज के शरण में गया और वहाँ नामदान लेने के लिए जो मैं क्रौथा आश्रम में पहुँचा था। जैसे क्रौथा आश्रम में उस टाइम जो बंद था तो मैं वहाँ पहुँचा तो निराश होकर के मैं सड़क के इस पार जो बैठा था, तो जब बैठा तो एक सामने से कोई पुलिस वाला था, उसने मुझे बुलाया। तो मैंने सोचा शायद ये पुलिस वाला शायद मेरे को भी कुछ गालियाँ देगा या कुछ बोलेगा, तो मैं सामने गया उनसे पूछा तो उन्होंने बोला क्यों आया? मैंने बोला नामदान लेने आया था लेकिन यहाँ तो आश्रम बंद है। तो उन्होंने बेचारे ने मेरे को सीधा सा बात बोला, तू यहाँ से रोहतक जा, रोहतक से हाँसी जाना, हाँसी से बरवाला जाना, गुरुजी जो है आजकल बरवाला में जो है आश्रम खोले, संत रामपाल जी जो है बरवाला में जो आश्रम खोले हैं। तो जा करके मैंने नवंबर 2011 में जो है वहाँ से नामदान लिया और वहीं से उसी भक्ति कर रहा हूँ। सर जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, उससे पहले आप करौथा आश्रम में गए, करौथा आश्रम बंद था, फिर आपको पता लगता है कि 2006 में करौथा कांड हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी जा चुके हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आपके मन में कोई संकोच नहीं हुआ? कोई संकोच नहीं हुआ, हमको तो खुशी हुई कि जब वो पुस्तक पढ़ा तो पुस्तक में इतना ठोस ठोस करके जो ज्ञान भरा था कि हमारे जो पहले के जो भ्रम थे, जो जितने भी शंकाएँ थी, सब गुरुजी ने हमारे जो है बाहर निकाल करके रख दिया। तो ऐसा लगा कि हम गुरुजी के शरण में कब जाएं और उस परमात्मा के दर्शन कब करें। तो इसलिए उमड़ करके मैं जो है जा करके 2011 में गुरुजी से नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़े हैं, सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ ऐसे कि जो मैं घर में जब पहले निरंकारी होते हुए घर गया था तो मेरे परिवार वाले जो है मेरे से बात करने में भी राजी नहीं थे, और जो मैं पुस्तक ले गया था उसको जो है बोल रहे थे भाई इसको भी जला दो और इसको भी जला दो, ऐसे करके मेरे विरोध में थे। आज गुरु रामपाल जी महाराज जी के कृपा से जो है आज मेरे परिवार जो है बोले कि तुम नित्य नियम भी करो, अपने संध्या आरती भी करो, वो करो, और पुस्तक भी अब संभाल के रख देते हैं। तो ऐसा कृपा हुआ जो उनके अंदर जो भूत प्रेत का जो मतलब वो था शंकाएँ थी वो जो है परमात्मा ने दूर करके संत रामपाल जी ने आज जो है बहुत एक शांति प्रदान किया है, जो जिससे कि मैं खुश हूँ। और अपना भी जो है मेरे जो रीढ़ की हड्डी में जो काफ़ी गैप हो गया था, जो चल फिर नहीं सकता था, तो आज मैं आप लोगों के सामने मतलब ऐसे खड़े होकर के अपने साथ जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जो संत
रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है अपना सब ठीक ठाक हूँ। और मुझे बवासीर की भी शिकायत थी, खूनी भी बवासीर। जब मैं कुरुक्षेत्र जो आश्रम में जब सेवा में था तो वहाँ पर ये भगत जी वगैरह बहुत परेशान हो गए, 2-3 बार उन्होंने हॉस्पिटल भी ले गए मेरे को। तो उसमें भी प्रार्थना जब लगाए तो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रार्थना से मेरा जो है सब बीमारी जो है कट गया, अब बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर आरोप लगता है कि उनको पैसे देकर उनके आश्रम में ले जाया जाता है। गरीब आदमी है, अंधविश्वास के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। क्या आपको पैसे मिलते हैं वहाँ जाने के लिए? कोई पैसे नहीं मिलते हमारे को, हम अपनी खुशी से जाते हैं। जब गुरुजी का ज्ञान हमारे को समझ में आता है तो हम अपने आप ही उनके शरण में जाते हैं, अपने आप ही जो नाम दीक्षा लेकर के आते हैं। गुरुजी को जो है ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, खाली कीचड़ उछाल रहे हैं, दुनिया अपने कर्म खराब कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है, आज आपका उनके प्रति कैसा विश्वास है? मेरे बहुत बहुत श्रद्धा से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। सब इतने भगत समाज को भी यही कहता हूँ कि आप जो है इन जो गलत अफवाहों से नहीं जुड़े, मतलब परमात्मा की शरण में आएं और उनसे कल्याण करवाएं। सर कुछ तो अजीब बात हमें संत रामपाल जी महाराज जी में लगती है, क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या उनके जेल में होने के बावजूद भी लाखों की तादाद में बढ़ रही है। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए हैं? दास जो है संदेश तो दे नहीं सकता, एक प्रार्थना कर सकता है कि जो ये गलत अफवाहें हैं जैसे गुरु जी के ऊपर झूठे आरोप वगैरह लगाए हैं, इनके ऊपर ध्यान ना दे करके अपनी जो पुस्तक हैं ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, इनको पढ़ें, या साधना चैनल में जो अपना चैनल में सत्संग आता है उसको समझ करके अपना जो है अच्छी ज्ञान को समझ करके अपना गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाएं और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जी धन्यवाद। सत साई।